तो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द फिट गाइस। सो गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो आज है 30 मार्च। चलो देखते हैं 31 मार्च यानी कि कल के लिए हम लोगों को किस तरीके से काम करना पड़ेगा, कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, ओके। और कुछ लेवल वार्ड आप लोग के लिए मैं ड्रॉ करके दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लेना उस लेवल को, ओके। तो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी को ओपन कर लेना। एंड बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है काफी अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया था। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सॉरी आप लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना, ओके। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो कि मार्केट ने क्लोजिंग दिया है कहाँ पे, मार्केट ने एग्जैक्टली ये जो क्लोजिंग प्राइस है और जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये एकदम सेम जगह पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अलग से जो है क्लोजिंग प्राइस को ड्रॉ नहीं करेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर सेम जगह पे ही है, तो हम लोग इसको ही कंसीडर करके चलेंगे, ओके। और अगर बात करके सपोर्ट कहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड, ये वाला रेजिस्टेंस इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ओके। और एक चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने एसएल हंटिंग के अंदर एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग ऑप्शन चेन के अंदर चेंज इन वाई को देख सकते हो, ओके। हालांकि ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हो, पर हम लोग तो सुबह सुबह ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग सेकेंड हाफ में ट्रेड करते हो, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो सेकेंड हाफ में, वो भी एसएल हंटिंग के साथ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ओआई चेंज है इसको देख सकते हो। और अगर आप सेकेंड हाफ की पहले यानी कि 11:30 से पहले आप लोग ट्रेड करते हो तो उस टाइम पे इस ऑप्शन चेन कोई काम का उतना ज्यादा काम का नहीं है, तो आप लोग उसको ना भी देख सकते हो, कोई बात नहीं होगा, ओके। तो ये आप लोगों को बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर मैं निफ्टी का बताऊं तो चलो यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का क्या सीन है। तो निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, सेम चीज है निफ्टी के अंदर। आप लोग वो वाला जो क्लोज 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना क्लोजिंग प्राइस को, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड जो है एक जो है आप लोग को हेवी रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऊपर के साइड एक हेवी रेजिस्टेंस है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है बायर का स्टॉप लॉसेस है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो हम लोग ये वाला बायर को जो स्टॉप लॉसेस है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, ओके। और ज्यादा कुछ खास लेवल वगैरह है नहीं, ओके। जो भी था आप लोगों को मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक लेवल बन सकता है, ओके, यहाँ पे एक लेवल बन सकता है, वो हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, ओके। बाकी अभी कुछ है नहीं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं कल एकदम लाइव वीडियो के अंदर, ओके। चलो कल मिलते हैं एकदम लाइव ट्रेडिंग के अंदर।